साल था 1986। चीन में वामपंथी सरकार के विरुद्ध आंदोलन रूप ले रहा था। इसमें हजारों की संख्या में छात्र शामिल थे। लोगों में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती सामाजिक असमानता को लेकर भारी आक्रोश था। मीडिया, लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी और विद्यार्थी वामपंथी सरकार के विरुद्ध थियानमेन चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच 15 अप्रैल 1989 को अचानक ही चीन के नरम विचारों के नेता हु याओबंग की संदेहास्पद मृत्यु हो जाती है। विद्यार्थी जगह जगह इकट्ठा होकर उन्हें श्रद्धांजलि देने लगते हैं। 18 अप्रैल 1989 बीजिंग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी शहर के तियानमेन चौक तक एक अभूतपूर्व पैदल मार्च निकालते हैं। चीनी कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा विद्यार्थियों पर हमला करवाया गया और हमले में कुछ विद्यार्थी गंभीर रूप से चोटिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों के विरुद्ध यह कोई एक दिन का आंदोलन नहीं था। लगभग 2 महीने से लोग इस चौक पर डटे थे। बीजिंग पहुंचने वाली बसों और ट्रेनों में रोज सैकड़ों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार आंदोलन से तिलमिला उठी थी। 20 मई 1989 चीनी कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा कर सेना के जवानों को तियानमेन चौक को तत्काल खाली कराने के निर्देश दे दिए गए। आंदोलन तीव्रता पकड़ने लगा। चीनी कम्युनिस्ट नेताओं का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। 3 जून की रात में थियानमेन चौक पर कम्युनिस्ट सेना के टैंक जमा होने शुरू हो गए। कम्युनिस्ट सैनिकों ने विरोध कर रहे स्थानीय नागरिकों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस गोलाबारी में सैकड़ों लोग मारे गए। स्थानीय निवासियों ने अपने घरों की छत से बर्तनों को उन पर फेंकना शुरू किया, जिसके बाद कम्युनिस्ट सैनिकों ने पूरी बिल्डिंग और घरों में भी गोलाबारी कर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सेना का दमन चक्र यहीं नहीं रुका, मानो कम्युनिस्ट सेना प्रतिशोध लेना चाह रही थी। 4 जून 1989 को मिलिट्री की गाड़ियों ने तियानमेन चौक को चारों ओर से घेर लिया। टैंकों द्वारा विद्यार्थियों पर हमला शुरू किया गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी वजह से कई विद्यार्थी घायल हो गए। टैंक के माध्यम से लोकतंत्र की देवी की प्रतिमा को पूरी तरह कुचल दिया गया। चौक से निकलने के सभी रास्तों को बंद कर सेना ने विद्यार्थियों को घेर लिया। सुबह से लेकर रात तक चीनी कम्युनिस्ट सैनिकों के द्वारा विद्यार्थियों का नरसंहार किया गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक ऐसे अमानवीय नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें लोकतंत्र की मांग कर रहे 10,000 लोग मारे गए थे। शहर के सभी अस्पताल घायलों से भर चुके थे। तियानमेन चौक पर लाशों का ढेर लग गया था। 5 जून 1989 को मीडिया ने यह खबर पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। कई वैश्विक नेताओं ने चीन के द्वारा किए गए इस दमनकारी नीतियों की घोर निंदा की। एक विदेशी पत्रकार ने भी एक अकेले आंदोलनकारी की उस आइकॉनिक तस्वीर को खींचा, जो चीनी कम्युनिस्ट सेना के टैंक के सामने अकेला खड़ा था। कम्युनिस्ट तानाशाही सरकार को चुनौती देने वाले टैंक मैन की इस तस्वीर ने संदेश दे दिया था कि अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उसके विरुद्ध उठने वाली आवाज को मौत से भी नहीं डराया जा सकता है। जहां सारी दुनिया में चीन के इस कृत्य की भर्त्सना हो रही थी, वहीं दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के इस अमानवीय कृत्य के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था। ये वामपंथी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिमायती होने का दावा करते नहीं थकते हैं, लेकिन जिस जगह भी वे सत्ता में आते हैं, वहां विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वे पूरी तरह कुचल देते हैं। आज के दिन वर्षों पहले चीन के तियानमेन चौक पर जो बर्बरता हुई, वह आने वाली पीढ़ियों को वाम पंथ में छिपे हुए काले चेहरे का परिचय कराती रहेगी।